हेलो जी, केम छो तमे? तो 25 सितंबर को है जितिया का व्रत और 24 को नहाए खाए है। तो यहाँ पर मैं जितिया व्रत क्यों किया जाता है और जितिया व्रत की कहानी क्या है, चलिए आज जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक जितिया व्रत की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जितिया व्रत ना बच्चों के लिए किया जाता है, तो मेरे भी बच्चे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने भी जितिया व्रत करना शुरू किया। और नॉर्मली किसी का बच्चा नहीं भी है वो भी कर सकता है। तो और तो यहाँ पर मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जितिया व्रत ना खर जितिया इसे कहते हैं। तो जितिया व्रत ऐसे होता है ना, बिल्कुल उस निर्जला व्रत होता है ये। और इसमें ना जैसे मॉर्निंग में सरगी खाई जाती है, और ये पितरों के लिए भी होता है। तो जो हमारे पितर होते हैं उनको खाना भी दिया जाता है मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्हें खाना दिया जाता है, और चिलो सियारिन को खाना दिया जाता है। और फिर पूरे दिन वो जो सरगी खाते हैं ना, बस वो खाकर और पूरे दिन निर्जला व्रत रहता है, और कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। और अगले दिन जो गरम गरम खाना बना के और फिर पूजा करके फिर पारण किया जाता है जितिया व्रत का। तो यहाँ तक तो पता चल गया आपको। तो अब शुरू करते हैं कहानी क्या है इसकी। वैसे तो ढेर सारी इसकी कहानी है, चिलो सियारिन की इसकी कहानी है, लेकिन आज मैं एक और कहानी सुनाऊँगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक देवरानी जेठानी से, जिसमें जो जेठानी है उसके शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। और जो देवरानी है, तो जो देवरानी है ना, उसकी शादी को अभी 1 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, और उसका एक बेबी होता है। और वो बेबी काफ़ी छोटा होता है अभी, और समय बीतता जाता है। और एक दिन ये जितिया का व्रत आता है, तो उसकी जो देवरानी जेठानी की जो सासुमा होती है वो व्रत करने को कहती है वो कि मेरा व्रत है। तो देवरानी को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है व्रत करने में, और वो कहती है कि ये व्रत कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं, मुझे भी करना है। तो उसकी सासुमा कहती है कि ये व्रत तुम कर सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारा बच्चा काफ़ी छोटा है, तो तुम अभी रहने दो। तो देवरानी ज़िद करती है और कहती है कि नहीं, अगले साल अगर करूँगी तो फिर 2 मास लग जाएगा, और 2 मास में नया कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है। तो फिर देवरानी नहीं मानती है और व्रत कर लेती है। तो फिर यहाँ नहाए खाए का दिन आता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर गंगा के घाट पर जाया जाता है नहाए खाए करने के लिए, पहले गंगा स्नान करने के लिए। तो देवरानी कहती है कि हमें भी जाना है, हम भी पूजा करेंगे जैसा आप करेंगे। अपनी सासू माँ से कहती है कि जैसा आप करेंगे मैं भी वैसे ही करूँगी, मैं भी वैसे ही पूजा करूँगी, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ। तो उसकी सासू माँ कहती है कि ठीक है, लेकिन वो जो जेठानी होती है वो उसके बच्चे को देख देख कर बहुत ज़्यादा और जेलस फील करती है, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं होता है और देवरानी का बच्चा होता है। देवरानी जब बच्चे के साथ खेलती है, बच्चे को मालिश करती है, बच्चे का ध्यान रखती है, तो जेठानी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, मन में जलन होती है कि इसका क्यों है, मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। और वो ठान लेती है कि इसके बच्चे को भी मैं ख़त्म कर दूँगी, मैं मार दूँगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए, ऐसा जेठानी के मन में। तो जितिया का दिन आ जाता है, और फिर वो फिर से गंगा स्नान के लिए जाने वाले होते हैं। तो देवरानी कहती है कि मैं भी चलूँगी उसकी सासू माँ से आपके साथ में। तो उसकी सासू माँ कहती है कि व्रत में तो वैसे व्रत होता है, और निर्जला हो तो काम वैसे नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे थकान होती है। तो फिर वो कह देती है कि जेठानी से जाकर कह दो कि वो खाना बना लेवे और काम ख़त्म कर लेवे, क्योंकि हम व्रत में हैं। तो देवरानी कह देती है, और फिर देवरानी कहती है जेठानी से कि आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना, हम गंगा स्नान और गंगा पूजा करने जा रहे हैं, और वहीं पर ही ज्योत वाहन और ज्योत भगवान का कथा वथा सुनेंगे, उसके बाद ही पूजा वगैरह करके फिर लौटेंगे घर। तो जेठानी कहती है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान तो बहुत अच्छे से रखूँगी, अब रुक जाओ, ऐसा कहती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि देवरानी तो खुशी खुशी व्रत कर रही होती है, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आता है।
और बहुत ही खुशी खुशी सारा सब कुछ करती है। गंगा स्नान करने सब लोग जाते हैं, और क्या होता है कि गांव जैसे गांव में भी जाते हैं गंगा स्नान करने, तो एक अकेले तो नहीं जाते, सभी लोग साथ में जाते हैं। तो आस पड़ोस के लोग भी होते हैं, कुछ गांव के लोग भी होते हैं, तो सभी लोग साथ में जाते हैं गंगा स्नान करने। और वहाँ पर उन लोगों के जाते ही यहाँ पर जो जेठानी होती है वो उसके बच्चे को मारकर एक कपड़े में बांधकर, एक बोरी में बांधकर और गंगा के घाट पर फटाफट से रख के आ जाती है, और वापस फटाफट से घर पर आ जाती है, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज उसको भी मैंने अपने जैसा कर दिया बिना बच्चे के। अब उसके पास भी कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो अब मैं खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो छोटी वाली पूजा कर रही होती है। तो इसके बाद वहाँ जो गंगा के घाट पर जो औरतें सब स्नान कर रही होती है, तो एक जन के पैर में ना वो बोरी अटकती है बार बार। तो वो कहती है कि कुछ मेरे पैर पे आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है। तो उसकी देवरानी वो बोरी ऊपर खींचती है, और फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो है अंदर, देखना चाहिए। तो उसकी देवरानी खोल कर देखती है, तो उसमें उसी का बच्चा होता है, और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, दुखी हो जाती है। और तभी गांव की एक औरत कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, तुमने ज्योतिया का व्रत किया है, तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे बच्चे को जीवित करे। और फिर उसमें से एक कहती है कि इसकी सांसें चल रही है, तुम्हें शायद हो सकता है कि इसके मुँह में पानी चला गया हो, पेट में पानी चला गया हो, तो उसे दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कहती है। तो उसकी देवरानी ज्योति भगवान का पूजा करती है और उनसे दिल से प्रार्थना करती है कि उसे ठीक कर दे, और उसे दूध पिलाती है। इसके बाद यहाँ पर सूर्यदेव से ज्योति भगवान जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, इस बच्चे को जिंदा कर दो, इस बच्चे में प्राण वापस डाल दो, नहीं तो कोई भी मेरे व्रत पे मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि ज्योति भगवान की पूजा तो बच्चों के लिए की जाती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो ऐसा प्रार्थना करते हैं, और फिर उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर जब सभी गांव वाले, सभी वहां पर जितने लोग होते हैं ज्योति भगवान का जय जयकार करते हैं, उनके चमत्कार की जय जयकार करते हैं, उनकी अच्छे से धूमधाम से पूजा वगैरह करके जब ये लोग घर लौटते हैं, तो यहाँ पर जेठानी तो बिल्कुल खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होती है, और वो कमरा बंद करके अंदर से और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी मना रही होती है, खुश हो रही होती है। उसके बाद जो उसके जेठानी का जो पति होता है, उसके सास ससुर बाकी सब जन आ जाते हैं, और फिर गांव में तो पता है खबरोल के घर होते थे पहले, तो उसमें क्या हुआ कि ऊपर से जाकर और बीच में आंगन होता था, तो वो आंगन खुला हुआ रहता है, तो वहाँ से जाकर अंदर से उसका हस्बैंड, जेठानी का जो हस्बैंड होता है, वो खोलता है गेट और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। उसके बाद वो जो अंदर से दरवाज़ा खोलता है, तो जेठानी तो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसे तो पता रहता है कि उसने क्या किया है। पर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जेठानी कहती है कि तुम इसे कब लेके चली गई, मैं घर में कब से ढूंढ रही थी कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। तभी देवरानी कहती है कि हाँ, मुझे लगा कि आपको काम करने में डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैं इसे लेके चली गई थी। और फिर इस तरह से कहती है, तभी उसकी जो सासू माँ होती है वो कहती है, वो सारी बातें बताती है कि इसने बच्चे को मारकर घाट पर डाल दिया था, और फिर ज्योति भगवान की कृपा से बच्चा बच गया है, जिंदा है। तभी उसके पति को, जेठानी का जो पति होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस पर। और गांव में ना क्या होता है ना कि हसिया ताप वगैरह रखा रहता है, तो वो लेके आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी देवरानी आगे आती है और उसे बचा लेती है, और उसे कहती है कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है दीदी ने, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें क्षमा कर दो, जाने दो। तो भी जेठानी देवरानी के पैरों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगती है, और वो कहती है कि कुछ ऐसा कहो जिससे मेरी भी गोद भर जाए, मेरे भी बच्चे हो जाए। तभी जो देवरानी होती है वो कहती है कि आप भी ज्योतिया का व्रत करना और सच्चे मन से करना, तो आपका भी बच्चा हो जाएगा, गोद भर जाएगी आपकी भी। ऐसे ही दो तीन साल बीत जाते हैं, और वो
बहुत ही श्रद्धा से उसकी जठानी जितवाहन का पूजा करती है, जितिया का व्रत करती है और उसका भी उसकी भी गोद भर जाती है। तो इस तरह से जितिया का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, अपने परिवार के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं भी करती हूँ व्रत, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चों की लंबी उम्र के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर ना अभी मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो उसकी वजह से मुझे हाथ में पकड़ कर मोबाइल वीडियो बनानी पड़ रही है।